श्रावण के महीने में तीन जगह पर बेलपत्र, अगर दुख आया दौड़कर शिव के मंदिर चली गई, पुकार लिया शंकर जी आ गए। तो अशोक सुंदरी वाली जगह से जल चढ़ाया जाए सावन में, वो विवाह के लिए है। लग रहा है कोई बीमारी अपने शरीर में आने वाली है, डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, कोई तकलीफ बड़ी आने वाली है, कोई बड़ा रोग इस शरीर में ना आए। तो श्रावण के महीने में तीन जगह पर बेलपत्र, एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर जिसकी डंडी का मुख जहां से पानी बहता है वहां रहे, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी का हस्त कमल, जो जलाधारी है वहां उसका डंडी का मुख अपनी ओर हो। तीसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर जिसका डंडी का मुख तुम जहां बैठे हो उससे ठीक विपरीत हो। अगर आप यहां बैठे हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप यहां बैठे हो तो डंडी का मुख उधर हो, अपने विपरीत में डंडी का मुख हो। बेलपत्र चढ़ा देने के बाद दो हाथ में जो तुम्हारे जल का पात्र है उसको बाबा को धीरे धीरे तीनों स्थान पर धार थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है और फिर बाबा का आचमन कर कर आई है। कोई जिंदगी में बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, बाबा स्वस्थ रखेगा, ये श्रेष्ठता।